जो चाल तुम अपने दुश्मन के लिए सोचोगी वो तुम्हारे पोते को भुगतना होगी। इस बार तुम्हारी चाल नाकाम हो गई। आगे के लिए अब क्या सोचा है? उसे जाने के लिए आखिर कैसे राजी करोगी? यही रुको, वो मुझे यहां से आकर ले जाएगी। तुम बस उसे एक मैसेज कर दो। मैं खुद चले जाती हूँ, इंतजार नहीं करना चाहिए। नहीं जा सकते, तुम्हें यूं अकेले नहीं जाने दे सकता। मीरान मेरा घर सामने ही है, प्लीज मुझे जाने दो। देखो वरना हमारी ये सारी कोशिश बेकार जाएगी। मुझे जाने दो और तुम भी जाओ। ठीक है मेरी जान, फिर मिलते हैं। जब तुम चली जाओगे तो मैं बहुत ज्यादा अकेला महसूस करूंगा, बहुत मिस करूंगा। समझ ही नहीं आता कि क्या करूं, तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता मुझसे। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं, हमेशा, दूर नहीं हूं, और तुम मेरे पास हो। अब ऐसे तो मत देखो मुझे, मैं जा नहीं पाऊंगी। जाने दो ना, और तुम भी जाओ। जाओ। जल्दी जाओ ना, जल्दी। मलाइका, मलाइका दरवाजा खोलो। मलाइका, रियान, अस्लान, रात के इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह सुबह दरिया पे फोटोग्राफी के लिए जाता हूँ, यहाँ पे तुम्हें अकेले खड़ा हुआ देखा तो। यहाँ से गुजरते हुए? क्यों, घर पास में ही है क्या तुम्हारा? दरवाजा जल्दी खोलो मलाइका। कोई मसला है क्या? अस्लान, रात के इस वक्त तुम क्या लेने आए हो, मैं समझ नहीं पा रही। तुम्हें वाकई फोटोग्राफी का शौक है या अपने खानदान की तलाश है तुम्हें? मुझसे तो कहा था कि फोटोग्राफी करते हो और मेरी फैमिली को अलग ही कहानी सुनाई। मुझे नहीं लगता कि ये वक्त ये सब बातें डिस्कस करने का है। हाँ, मैं इंसानों के साथ साथ नेचुरल फोटोग्राफी भी करता हूँ। अपनी फैमिली ढूंढने के लिए भी यही तरीका इस्तेमाल किया, तस्वीरें लेना। रियान, चाबियां तो भूल ही गई। तुम अभी तक यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हो? रात के इस पहर तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम अंदर चली जाओ, मैं चला जाऊंगा। दरवाजा खुलेगा तो मैं अंदर चली जाऊंगी, यहाँ मत रुको, चले जाओ। मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही, जब भी जरूरत पड़ती है पता नहीं कहाँ मर जाते हैं सब। रियान, मलिके दरवाजा नहीं खोलने वाली, और मुझे नहीं लगता कि तुम दरवाजा खटखटाओगी, तो मैं तुम्हें यहाँ इस हालत में अकेला कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी मदद किस तरह से कर सकता हूँ। आ रही हूँ नसू साहब, आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, मलाइका,
अगर तुम जागी हुई हो तो मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही हो यार? समझ नहीं आ रहा मुझे। एक मिनट के लिए फोन रिसीव करके बता दो कि रियान घर आ गई है। दिमाग खराब हो रहा है। गलती तुम्हारी है। तुम रियान की बातों में क्यों आए? तुम्हें उसे घर में दाखिल होते हुए देखना चाहिए था, उसके बाद वहां से जाते। मेरे पास चाबियां भी नहीं है। तो ये घर है मेरान का, चाबियों के बगैर तो अंदर जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। इस घर के बारे में कोई नहीं जानता? नहीं, कोई भी नहीं जानता, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले। पहले ही परेशान थी, मैंने और ज्यादा कर दिया। अच्छा अब तुम डरो मत, मैं कुछ करता हूँ। तुम पहले बता देती तो अब तक दरवाजा खुल भी चुका होता। मैं कुछ करता हूँ उससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। शुगर खुल गया। रुक जा, लाइट मत चलाना। ये घर सुनसान रहता है, कोई देख लेगा। सही कह रही हो। यहां से पीछे चलते हुए आओ। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इतना बड़ा काम नहीं था। तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। ना कुछ देखा, ना सुना और ना ही कुछ जानता हूं। थैंक यू सो मच। ये घर तुमने इसलिए खरीदा था कि तुम रियान से मिल सको, यही बात है ना मेरान?